अब तक का माहौल हमारे लिए खुशी का विषय है कि हमारी पार्टी साल भर चुनावी मोड में रहती है, इसलिए हमारे लिए चुनाव इसका अंतिम चरण है। पिछले चुनाव जिस दिन ख़त्म होते हैं उसके दूसरे दिन से ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व चुनाव में लग जाता है। पार्टी बराबर साल भर, जैसे ही पिछली विधानसभा के गुजरात के चुनाव समाप्त हुए और उसके बाद से नरेंद्र मोदी तुरंत जेपी नड्डा, अमित शाह, सारे लोग राजस्थान की और 5 प्रदेश जो चुनाव के अंदर हैं उन सब पे लग गई और नीचे का कार्यकर्ता भी उस समय से तैयारी पे लग गया। तो वही हमारी पार्टी की ये विशेषता है कि चुनाव के अंदर आज जो काम कांग्रेस आज अभी पिछले 15 दिन में कर रही है वो काम हमारे लोगों ने पिछले 6 महीने से कर दिया है, इसलिए हमारे लिए चुनाव कोई बहुत बड़ी चुनौती हो ऐसा नहीं। अब तक के चुनाव प्रचार में क्या उम्मीद नजर आई आपको? ऐसा है कि जो आप देख रहे हो, क्या आप, मैं मीडिया से भी कहूँगा कि आज अभी मैं युवा छात्रों की रैली से ही आ रहा हूँ, वहाँ मेरा अंदाज है कि 1500 से 1500 के बीच छात्र थे अभी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, जिसमें कोई बड़ा नेता दिखाई, प्रत्याशी था और छात्र विद्यार्थी परिषद के छात्र रहे हो, युवा मोर्चे के छात्र रहे, उनकी रैली थी और उसके ठीक बाद में और मंडलों में भी रैलियाँ हैं, उसके बावजूद 1500-1500 लोग थे रैली में। और दूसरी तरफ कांग्रेस की मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने गांधी ग्राउंड से शायद रैली चालू की और परशुराम चौराहे पे ख़त्म की। मुझे जो प्रेस से और लोगों से जानकारी मिली कि वो पुलिस वाले 500 थे और पब्लिक नाम या जो लाए गए थे वो 100-150 लोग थे और जहाँ समाप्त थी वहाँ भी 250-300 थे, वो भी शहर के थे ही नहीं, सब ग्रामीणों के थे। चुनाव प्रचार में क्या मुद्दे और समस्या अभी तक आई? ऐसा है कि शहर के अंदर ये बात सही है कि एक समस्या बड़ी आई है कि पानी वितरण का टाइम ठीक नहीं है, ये कुछ वार्डों में आया है। तो अब उस पानी की वितरण समस्या का आज की तारीख में, क्योंकि मुझे भी समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए तकलीफ आ रही है क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई सवेरे 6 बजे से 8 बजे आवे या 7 से 9 आवे, एक साथ संभव नहीं है। अब मैं चुनाव खत्म होने के बाद अधिकारियों को एक साथ बुलाऊँगा, बैठाऊँगा और उनसे चर्चा करूँगा कि बताइए और जहाँ जहाँ जिन जिन वार्डों में समस्या आई, उन वार्ड के अधिकारियों का, वार्ड के हमारे जिन लोगों ने समस्या रखी उनको बुला कर उसका कैसे निस्तारण होगा उन बारे में चर्चा करूँगा। शहर में पार्टी के परंपरागत वोट के अलावा आपको क्या उम्मीद है जनता से? ऐसा है कि परंपरागत के वो के बाद भी वैसे पार्टी का काम इतना पुराना है कि यहाँ लोकसभा और विधानसभा में कुछ वोटों का डिफरेंस रहा था। 9000 विधानसभा में हमको मिले थे, जीते थे और लोकसभा में 70-75-72-73 जीते थे। अब ठीक है, कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही हो, कुछ कारण रहे होंगे, तो उनको इस चुनाव में हमने उस बात से सबक लेकर उसको ठीक किया और ठीक करने में मुझे सफलता मिली है। पार्टी के सारे लोग एक दिशा के अंदर एक साथ काम कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि जस्ट मैं बाहर अभी खड़ा था तो लगभग 30-40 युवा पार्टी के अंदर मिलने की हमने कोई प्रयास नहीं किया। उनका इस राजस्थान के अंदर केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास था वो मिलने के लिए स्वतः ही भीड़ आती है। चुनावी मैदान में आपको भीतरघात की कोई आशंका है क्या? 1% भी नहीं, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ भीतर का तो दूर है, कोई डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना चाहेगा। तो न्यूट्रल लोग हैं, राजनीति के हमारे विरोधी भी रहेंगे तो भी वो उनके पास नहीं जा रहे, विचार मान लो मतभेद होंगे तो भी वो मान ही जाएंगे, वो भाजपा के साथ ही है। चुनाव मैदान में प्रतिनिधि का कितना दबदबा है आपके सामने? ये तो ऐसा है कि उनका चुनाव लड़ना उनका शौक है, जीतना लक्ष्य नहीं है। पहले वो लड़े थे जमशेदपुर से, वहाँ भी जमान गवा के आए हैं और अभी कह रहे हैं कि मैं ऐसा विजन लाया हूँ, ऐसा विजन लाया हूँ, तो
तो पहले मैं उनको ये कहता हूँ कि जमशेदपुर के विजन का दबाव दे दो। अब उनको उदयपुर की न भौगोलिक स्थिति पता, ना उनको बाउंड्री पता। मुझे तो ये पता लगा कि वो आए उसके एक दिन बाद मेरे मकान से आगे चौदह में कुछ कार्यकर्ता कहते भैया आज गौरव वल्लभ यहाँ आ गए, गौरव वल्लभ। तो मैंने कहा यहाँ कैसे आए कि चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो उनको पता ही नहीं वो क्षेत्र जहाँ से लड़ रहे हैं वो है ही नहीं, ये सत्य घटना है। प्रतिद्वंदी आपको बार बार बहस की चुनौती दे रहे हैं, उसको आपकी ऐसा है, ये बात सही है। अब आप कल 19 मीटिंग है, आज 14 मीटिंग है, उनके पास बहस करने के अलावा कोई काम नहीं है। तो हम फालतू में उनके साथ इस बहस के नाम से समय बिगाड़ना नहीं चाहते। मिनट टू मिनट खाली एक घंटा यहाँ खाना खाना और मिलने वालों को टाइम देता हूँ, उसी समय मैं अप्रोच देता हूँ। तो इसलिए उनका बहस से ज़्यादा धरातल पे न तो कांग्रेस का आधार है, न प्रत्याशी का आधार है, न वो उनका कोई विजन नाम की कोई चीज़ है। बहस उनसे बहस के अंदर मेरा समय खराब बर्बाद करना मैं चाहता भी नहीं। इस चुनाव में समाज के वोट बैंक एक आधार माना जाए, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? ऐसा है कि मैं चुनौती को कह सकता हूँ, वैचारिक दृष्टि से जो भाजपा की पृष्ठभूमि के लोग हैं उनमें से एक नाम कोई माइका लाल बता देवे, आज हमारे मतभेद रहे मांगी लाल जी जोशी से राजनीति में, वो भी वर्षों तक काम किया है, इसके बाद भी किया है, पिछले चुनाव में हो सकता है उन्होंने विरोध किया हो मतभेद से, लेकिन आज मैं आपको विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ कि वो भाजपा और मेरे मुझ ताराचंद जैन के लिए समर्थन देके वो भी हमारे साथ आएंगे। विधायक बनने के बाद उदयपुर को लेकर आपका एक जो विजन होगा वो मतलब कुछ मुद्दे हैं कि भाई ये काम मैं पहले प्रायोरिटी पे करूंगा, वो क्या होंगे? ऐसा है कि दो बातें मेरे ध्यान में बड़ी बड़ी आ रही है, क्योंकि आज मैं कोई साल भर का बता नहीं पाऊंगा, मैं उसके बाद समझूंगा। पहली यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत डिस्टर्ब है, दूसरी ये पानी की समस्या के लिए है, और तीसरा इसमें एलिवेटेड रोड, और चौथी कई जगह ऐसी प्रॉब्लम में है कि कहीं जैसे ये पीछे वाली रोड है बिल्कुल कंप्लीट होगी, खाली एक इक्विजन वैसे नहीं, हमने इसकी तैयारी कर रखी तो उसके इक्विजेशन के अवार्ड जारी करने की उसका प्रोसेस चल रहा था। ये सीधा जो आदमी बस स्टैंड से शास्त्री सभी जाना था उनको इस चौराहे से गुजरना नहीं पड़ेगा।